गर्मी के मौसम में कच्चे आम से बनाए आम पन्ना। हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कच्चे आम से आम पन्ना, जो गर्मी में बहुत ही ठंडक पहुंचाता है, तो इसे गर्मी में ज़रूर पीना चाहिए। तो आइए फिर देखते हैं कैसे बनाते हैं आम पन्ना। आम का पन्ना बनाने के लिए मैंने कच्चे आम को रफली ऐसे काट लिए। अब मैं इसको कुकर में डालकर बॉईल कर लेती हूँ। ये मैंने कुकर ले लिया है, इसमें डालकर बॉईल कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसको साबुत भी बिना काटे ही इसको बॉईल कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी ये बॉईल हो जाती है। चाहे तो इसे किसी भी बर्तन में बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कुकर में बॉईल कर रही हूँ। 2 व्हिसल तक हम इसको बॉईल करेंगे, फिर ठंडा होने पर कुकर को खोल लेंगे। पहले हम इसमें नमक वगैरह डाल लेते हैं और पानी डाल लेते हैं, फिर हम इसे बॉईल करते हैं। नमक में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं यहाँ पर 3/4 टीस्पून के करीब नमक का डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैं काली मिर्च पाउडर का डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून इसमें मैं काला नमक का डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल रही हूँ। लगभग 4 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें चीनी के डाल रही हूँ। ये नमक, मिर्च, चीनी सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें मैं अब 1.5 ग्लास पानी का भी डाल देती हूँ। ये वाला ग्लास है मेरा। अब कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसको गैस पे चढ़ा देते हैं। अब इसे 2 व्हिसल आने तक पकाएंगे। ये 2 व्हिसल हो गई तो अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। कुकर को ठंडा होने के बाद खोलते हैं। फिर ये मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है सारा मैंगो। अब इसके जो छिलके हैं, छिलकों से हम इस तरह से पल्प उतार लेंगे। सारे छिलकों से इसी तरह से उतार लेंगे हम, बड़ी इजीली उतर जाता है ये। अब यहाँ पर मिक्सी का जार ले रही हूँ मैं। इसमें ये सारा पल्प उतार के मैं इसी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ। जो मोटे मोटे पीसीज हैं सारे ग्राइंड हो जाएंगे। ये मैंने ग्राइंड कर लिए, अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मिक्सचर इसका डालूंगी और साथ में मैं डालूंगी यहाँ पर थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां। मिक्स कर देते हैं इसको। तो ये आम पन्ना हमारा तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। टेस्ट आपका और आइडिया मेरा। बने रही फिर टेस्टी ट्विस्ट मेरे साथ इसी तरह से। धन्यवाद।